गोरखपुर मंडल के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ETC मिनी PICU एवं PICU प्रभारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसके संबंध में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर रक्षा रानी चतुर्वेदी ने बताया कि मंडल के ETC इंचार्ज डॉक्टर JEAS से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें JEAS के मरीजों के डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करने का प्रशिक्षण दिया गया तथा उन मरीजों की किस तरह से जाँच होगी उसका भी प्रशिक्षण लोगों को दिया गया तथा JEAS के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि गोरखपुर JEAS के लिए यह एरिया पहले से ही हमेशा संवेदनशील रहा है, क्योंकि यहां पर JEAS के मरीज ज्यादा मिलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर यह बीमारी खात्मे के कागार पर है। उन्होंने कहा कि मौसम आने से पहले ही उसके तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी इस तरह का मरीज है जिसको थोड़ा सा भी बुखार हो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए तथा छोटे सेंटरों पर अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उसको तुरंत एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए तथा एम्बुलेंस का समय 15 से 20 मिनट ही हो, जिससे कि उसको समय पर उपचार हो सके। इस अवसर पर मंडल के संबंधित चिकित्सक टेक्नीशियन तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर रक्षा रानी चतुर्वेदी ने कहा सबसे नॉर्मल शुरुआत इसकी उसके पहले दिशा निर्देश स्पेशली हमारी ETC की फंक्शनिंग कैसे रहता है कि मार्गदर्शन से हम लोग मिलने की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सॉरी मैं मुझे लगता है प्रोग्राम में 5 मिनट नहीं कह सकता हूँ, और मैं तो 5 मिनट में कह सकता हूँ, यदि आप उसको समझ लेंगे तो सारे कार्य हो जाएंगे। जरूरत नहीं है कि मैं आगे इस चीज को कहूँ। देखिए इंसेफ्लाइटिस से ये अंतर बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा है, और मैं शुरुआत में भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रयास से आज हम लोग इस मोड़ पर आ गए हैं जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रदेश में देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संबोधन यदि करते हैं तो यदि कोई टॉप दो चीज़ों की वो बात करते हैं तो उनमें से एक पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से कैसे गरीब जनता को बचाया जा रहा है उसकी बात है, और इससे आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्य करने का आपको सुअवसर मिला है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी त्रुटियाँ हो रही है, उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, और 2021 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने जनपद में एक भी मौत इंसेफ्लाइटिस से होने चाहिए। जब आप 95% मार्क्स टारगेट करते हैं वो 85% जाते हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य निर्धारण जो है वो बहुत ऊपर होना चाहिए, और हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हम उसकी प्राप्ति जरूर करेंगे। सिर्फ लक्ष्य निर्धारण करने से नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग से मेहनत भी करनी होगी, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। अब मैं दो तीन चीजों से कहना चाहूंगा। एक जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ब्लॉक में जो आपके ETC सेंटर हैं उनको क्रियाशील करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो चीजें वहां पर टैकल हो सकती हैं वो BRD में आ जाए। टर्शियरी केयर है, सुपर स्पेशलिटी है, वहां पर बंडल मत दीजिए, मैं उसको रिव्यू करूंगा। दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। नंबर 3 आपकी जो स्टाफ है उसमें मैन पावर में भी कोई कमी है वो जरूर नोट करा दीजिए, वो हम दो साथ से बात करके लाने का प्रयास करेंगे। एंड चौथा जो टेस्ट किए जाने हैं डायग्नोसिस होनी है वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए, और 5वां हमारी नियत बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें गरीब आदमी की मदद करनी है। हमारे अंचल में कोई ऐसा मरीज नहीं होना चाहिए जो इलाज के अभाव में जिसका ये चीजें आप देख लीजिए। बाकी आपके पीछे हमारा वैक्सीनेशन का है, हमारी बेहतर फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें, लेकिन यही अभी एक बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए और विश्व में भी स्पेशली हमारे
एशियन कंट्रीज के लिए, साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लाल एरिया दिख रहा है ये वो एरिया है जहाँ पे जेई के मैक्सिमम केसेस पाए जाते हैं, और पूरे दुनिया में लगभग 3 बिलियन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जेई एंडेमिक जोन में रहते हैं और उनको जेई होने की संभावना इसलिए बनी रहती है। लगभग 50,000 से लेकर के 68,000 केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं, और संयोग की बात यह कही कि उसमें से मैक्सिमम केसेस पहले चाइना और दूसरे नंबर पर इंडिया में रिपोर्ट होता था, लेकिन अब उसकी संख्या कम हुई है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही इंटेंसिव हम लोगों ने कराया हुआ है, और 13,000 से लेकर के 20,000 तक मौतें प्रत्येक वर्ष होती हैं। ये आंकड़ा अगर पुराने पूरे से समय की हम बात करें तो गोरखपुर डिवीजन पूरे विश्व में जितने भी JAS के केसेज होते हैं, JAS स्पेशली, उसका 3 से लेकर के 10% केस केवल गोरखपुर से रिपोर्ट होता था। हालांकि आज की स्थिति काफ़ी परिवर्तित हो गई है। अगर 2005 के एपिडेमिक को हम लोग याद करें तो उस समय पूरे गोरखपुर डिवीजन ने अकेले भारत के 62% JAS केसेस को शेयर किया था। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है। एक एपिडेमियोलॉजी में अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि JAS का इन्फेक्शन तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को होता है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो होता है वो सब क्लिनिकल होता है। जो हमारे हॉस्पिटल तक जिनको आने की जरूरत पड़ती है उनकी संख्या 300 से लेकर 1,000 लोगों के बीच में किसी एक की होती है। तो अगर हमारे किसी भी एरिया में केवल एक JAS का केस आ रहा है तो यह क्या बता रहा है? यह नहीं बता रहा है कि एक JAS का केस आया है, वह यह बता रहा है कि JAS का ट्रांसमिशन वहाँ चल रहा है और वहाँ पे कम्युनिटी में 300 से लेकर 1,000 तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उसमें से एक तो भाग्यशाली व्यक्ति है जो कि हमारे हॉस्पिटल तक पहुँच रहा है। सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे JAS PAS के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है JAS के लिए पहले से ही नोन रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये बिल्कुल एक खात्मे के कगार पर है, और हम लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रखे हैं कि जब तक मौसम आए उसके पहले हम लोग तैयार रहें। हमारे सारे सेंटर्स जो हैं जिसमें PQ है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं और जितने हमारे उसके काम में जुटे हुए हमारे क्लिनिशियंस हैं, वो सभी लोग आज ओरिएंटेड हो रहे हैं कि कैसे हम लोग केसेस का खात्मा कर सकें। और जैसे भी कोई इस तरह का मरीज है जिसको बुखार हो और थोड़ा सा मेंटल उसको स्टेटस में दिक्कत आ रही हो, उसको तुरंत ही भर्ती किया जाए और तुरंत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिए जाएँ। अगर हमारे सेंटरों पर, छोटे सेंटरों पर कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत उसको एम्बुलेंस से भेज करके मेडिकल कॉलेज भेजा जाए, और जिसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल ही शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट में ही वो पहुँचे। अभियान चलाया जा रहा है, दस्तक अभियान चलने वाला है, और उसी के साथ में हम इसका भी अभियान चला रहे हैं, और सब घर घर में जा कर के हमारी आशा ANM जो है पता लगाएंगे कि इसमें अगर कोई बच्चा इस तरह से हल्का जिसको बुखार हो उसको तुरंत उसको भर्ती किया जाए और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए। और इस तरह के खात्मे के लिए जो भी दिक्कतें होती हमारे बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। हमारे आसपास की गंदगी से ये बीमारियाँ फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो और भी विभाग हमारे जो है, पंचायती राज विभाग हो गए, स्कूल हो गए, स्वच्छता से जुड़े जितने भी विभाग हैं, सब लोग एक साथ में काम कर रहे हैं और इस बीमारी को बिल्कुल ही खात्मे के लिए हम लोग तत्पर हैं और ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आज हमारे सारे चारों जिलों के, मंडल के चारों जिलों के ETC इंचार्ज सब डॉक्टर्स की आज प्रशिक्षण हुआ है JAS के विषय में, जिसमें कि इन्हें सभी JAS के केसेस की डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, जिसको कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कुशवाहा की ने प्रशिक्षण दिया है, और आगे जो लैब जो जांचें की जानी है उस पर भी इनका प्रशिक्षण हुआ है। जो भी इनकी कोई प्रॉब्लम थी उसको, उसके बारे में इनको डिटेल बताया गया है।